हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास फिजिकल एजुकेशन। इट्स अ प्रेपरेटरी असाइनमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 3, बॉडी टाइप्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी टाइप्स। हाँ जी, बॉडी टाइप के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है? देयर आर ए वैरायटी ऑफ बॉडी टाइप्स। द फिजिकल मेक अप ऑफ वंस बॉडी इज कॉल्ड देयर बॉडी टाइप। हाँ जी, जिस तरह का इंसान दिखता है उसे क्या कहते हैं, बॉडी टाइप, वो किस तरह की उसकी अपीयरेंस है। बैक इन द 1950 देयर वॉज ए साइकोलॉजिस्ट नेम्ड विलियम शेल्डन हु लुक्ड एट द प्रोपोर्शंस ऑफ पीपल आर डिसाइडेड टू गिव दीज जनरलाइज प्रोपोर्शंस अ नेम। क्या है, 1950 में पीछे की बात है, क्या एक साइकोलॉजिस्ट थे विलियम शेल्डन, उन्होंने क्या है बॉडी शेप्स के आधार पर उन्हें कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया। तो उन्होंने बताया कि ही कॉल्ड दीज प्रोपोर्शंस सोमैटोटाइप। उन्होंने क्या है सोमैटोटाइप का नेम दिया, वेयर सोमैटो इज ए वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू द ह्यूमन और एनिमल बॉडी। सोमैटो क्या है, ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी के साथ रिलेटेड है कि उनकी शेप कैसी होती है। उन्होंने क्या है शेप के अकॉर्डिंग बख बख कैटेगरीज में इंसान्स को डिवाइड किया। शेल्डन बिलीव्स दैट द थ्री सोमैटोटाइप्स ही डिस्कवर्ड could give him an insight into the individual psychological traits। उन्होंने क्या कहा कि इन बॉडी शेप्स के आधार पर जो कैटेगरीज की गई हैं उनके आधार पर किसी भी व्यक्ति का क्या है डिफरेंट मनोवैज्ञानिक उनके लक्षण होते हैं। द थ्री बॉडी टाइप्स आर एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। जो थ्री बॉडी टाइप्स उन्होंने डिवाइड किया है वो है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। डिस्कस द ट्रेट्स ऑफ एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो पर्सन्स हैं उनके क्या फिजिकली गुण हैं, जो कैसे होते हैं, वो क्या है सॉफ्ट होते हैं, राउंड बॉडी होती है उनकी, सॉफ्ट होते हैं बॉडी, क्या है बहुत ही सॉफ्ट होती है और राउंड शेप्स में होती है। शॉर्ट एंड स्टॉकी लिम्स, उनके क्या है अंग पैर हैं जो वो छोटे होते हैं और स्थिर होते हैं। लार्ज बोन स्ट्रक्चर, बिग बोन, उनका बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है लार्ज होता है, उन्हें बिग बोन भी बोलते हैं। फिटेड जीन्स आर स्ट्रंग अराउंड द हिप्स एंड ग्लूटस, उसके उन पीपल्स के हिप्स और ग्लूटस में क्या है ज़्यादा फैट होती है। स्लो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म उनका स्लो होता है। लूज फैट विद डिफ़िकल्टी, वो क्या है बहुत ही मुश्किल से वेट लूज करते हैं। गेन फैट एंड मसल एट एन एवरेज रेट, फैट और मसल्स को क्या है वो आसानी से गेन कर सकते हैं। डिस्कस द ट्रेट्स ऑफ मेसोमॉर्फ्स। मेसोमॉर्फ्स की बॉडी कैसी होती है, वो क्या हैवी होते हैं, एथलेटिक बॉडी होती है, मींस उनकी बॉडी एथलीट्स की तरह होती है। गेन बोथ मसल एंड फैट इजीली बट कैन आल्सो लूज बोथ इजीली, वो क्या आसानी से मसल्स और फैट मास को बढ़ा सकते हैं और लूज कर सकते हैं। डिफाइंड मसल्स, उनकी बॉडी क्या है मस्कुलर होती है। हार्ड रिक्टेंगुलर शेप फॉर मैन एंड हॉर ग्लास शेप फॉर मैन, मैंस की बॉडी क्या है रिक्टेंगुलर होती है, आयताकार होती है, लेकिन हॉर ग्लास शेप फॉर वोमैन, वोमैंस क्या है पूरी अच्छी मतलब दिख फिजिक वाली होती हैं। फिटेड जीन्स आर स्ट्रंग अराउंड द ग्लूटस बट नॉट टू टाइट, हाँ जी फैट होती है ग्लूटस के अराउंड बट ज़्यादा नहीं होती। शोल्डर्स आर स्लाइटली वाइडर देन हिप्स, हाँ जी उनके शोल्डर हैं हिप्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा वाइड होते हैं। गेन स्ट्रेंथ इजीली, क्या वो स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा सकती हैं। एवरेज टू फैट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म उनका अच्छे से काम करता है। थिक स्किन नोटेड फॉर हैविंग आइडियल पोस्चर, उनका क्या है पोस्चर को इंसान अपना आइडियल बनाते हैं जैसे लोग वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ एक्टोमॉर्फ। जो एक्टोमॉर्फ पीपल्स हैं वो कैसे होते हैं, थिन स्प्लेंडर अपीयरेंस, वो क्या है पतले होते हैं लेकिन क्या है शानदार दिख होती है उनकी। कैन बी स्किनी फैट, उनकी फैट भी थोड़ी सी पतली होती है। स्मॉल चेस्ट एंड लेस मसल मास, चेस्ट थोड़ी सी स्मॉल होती है और मसल मास भी कम होता है। फिटर जीन्स आर जनरली
लूज अराउंड द ग्लूटस, मतलब क्या है ग्लूटस के आसपास उनकी फैट भी कमी होती है. फैट फास्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म उनका बहुत ही फास्ट होता है. लॉन्ग लेम्स उनके अंग पैर हैं वो लंबे होते हैं. थिन बोन्स एंड स्मॉल जॉइंट्स, बोन्स क्या है पतली होती हैं और जॉइंट स्मॉल होते हैं. हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. गेन्स बोथ वेट एंड मसल विद ग्रेट डिफिकल्ट एंड लूज मसल ईजीली. क्या है वेट और मसल्स क्या है बहुत ही मुश्किल के साथ बढ़ा पाते हैं, लेकिन मसल्स को क्या है ईजीली लूज कर सकते हैं वो. इन विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स कैन मैसोमॉर्फ एक्सेल, डिस्कस. हाँ जी, मैसोमॉर्फ क्या है, कौन सी गेम्स में अच्छे से वो श्रेष्ठ होते हैं. मैसोमॉर्फ्स कैन गेन और लूज वेट एफर्टलेसली एंड बिल्ड मसल वेरी क्विकली. हाँ जी, वेट लूज करने में और बढ़ाने में क्या है उनको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन मसल्स को वो आसानी से क्विकली फास्ट बिल्ड कर सकते हैं. दे कैन ईजिली डू वेल एट मैनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फ्रॉम फिगर स्केटिंग, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक, बॉडी बिल्डिंग, शॉकर, रग्बी, हॉकी, स्विमिंग, रोइंग एंड ट्रेथलॉन्स. वो इन गेम्स में क्या है इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उनकी मैसोमॉर्फ्स हैं जो उनकी बॉडी एथलेटिक होती है, वो किसी भी गेम्स में आसानी से पार्ट ले सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.